गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आर टुडे चैप्टर इज चैप्टर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो ये चैप्टर अपन पहले ही इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी चीजें अपन इसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के अपने प्लांट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको 3 टाइप्स की कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया है, लाइक स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, तो जो स्मॉल प्लांट है उनकी साइज क्या है, देखो साइज के बेसिस पे कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन इनकी साइज देखेंगे कि कौन से टाइप के जो प्लांट है उनकी साइज कैसी है। तो जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनकी साइज अपनी साइज से कम होती है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास मीडियम साइज। ठीक है, तो मीडियम साइज प्लांट जो है उनकी साइज जो है अपने इक्वल होती है, अबाउट आवर साइज। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज बिग प्लांट्स। ठीक है, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये टॉलर होते हैं देन अस, अपने से बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट, इनकी जो कैटेगरी है वो क्या होती है, हर्ब्स होती है। ठीक है, तो जो स्मॉल होते हैं अपनी साइज से उनको तो अपन क्या कहेंगे, हर्ब्स, एंड दो सेकेंड कैटेगरी एज श्रब्स, और जो सेकंड कैटेगरी है उनको हम क्या कहेंगे, शर्ब्स, एंड जो लास्ट कैटेगरी है इनकी उनको हम क्या कहेंगे, ट्रीज। तो ये क्या हो गए, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो 3 टाइप्स के जो प्लांट है वो अपने पास हो गए। नाउ एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, आप यहाँ पे पिक्चरों में भी देख पाते हो ये क्या है, हर्ब। ठीक है, तो हर्ब के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, लाइक स्पिनच। ठीक है, स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल किसकी हो गए, हर्ब्स की। इसी टाइप से जो शर्ब है, तो शर्ब में कौन कौन से हो गए अपने पास, लाइक राइस, वीट, मेट, सनफ्लावर, मिंट। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए अपने पास में, शर्ब्स हो गए। इसी टाइप से जो ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज जो हैं वो क्या हो गए अपने पास में, लाइक गवावा। ठीक है, गवावा हो गया और मैंगो हो गया। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं लाइक हैजड़ी वगैरह, जो भी अपने से मतलब अपने से ज़्यादा जिनकी लेंथ है, वो सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या हो गए, ट्रीज भी हो गए। ठीक है, लाइक मैंगो, नीम, पीपल, बम्बू, गुलमोहर। ठीक है, ये सारे किसमें हो गए, ट्रीज में हो गए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो हम देखो अपन ने टाइप्स तो देखा प्लांट की, 3 टाइप्स के प्लांट अपन ने देखा जिनकी साइज के बेसिस पे उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनके पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स कौन कौन से हो गए इसके। ठीक है, अपन सभी जानते हैं कि जो प्लांट होता है उसके उसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स। ठीक है, सो नाउ एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्लांट है, देखो पहले तो जो प्लांट होता है उसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, जो लैंड जो है अपनी उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, रूट सिस्टम। ठीक है, और एक क्या हो गया उसका, शूट सिस्टम। ठीक है, जो लैंड के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम, और जो लैंड के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। ठीक है, तो जो रूट सिस्टम है उसमें तो क्या होता है, रूट होती है, और रूट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई अपने पास में, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, और जो टैप रूट है, टैप रूट में तो क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कौन सी रूट है, टैप रूट है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये क्या हो गई, मैन रूट हो गई, और मैन रूट से ये जो स्मॉल जो अदर रूट्स है वो इस टाइप से निकली हुई होती है। ठीक है, जहाँ मेन रूट होती है वो तो क्या हो गई, टैप रूट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने इस टाइप की रूट भी देखी होगी जिसमें किसी तरह की कोई मैन रूट नहीं होती है, और उसमें फाइबरस जो है वो इस टाइप से निकले होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देखी होगी। तो इस टाइप की जो रूट होती है जिसमें मेन रूट नहीं होती, सारे इक्वल होते हैं, फाइबर्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो रूट होती है वो कौन सी रूट होती है, फाइबरस रूट। ठीक है,
तो जो टैप रूट हैं उसके एग्जांपल्स वो कौन कौन से हो गए, लाइक मस्टर्ड, नीम, रॉस, पी, बीन, ये सारे क्या हो गए एग्जांपल ऑफ टैप रूट, ठीक है। एंड इसके अलावा अपने पास नेक्स्ट जो है फाइबरस रूट, ठीक है। तो फाइबरस रूट जो है उसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, वीट एंड मैन, ठीक है। तो उनमें किस टाइप की रूट होती है, फाइबरस रूट ही रूट होती है, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। एंड नाउ ये तो अपना क्या हो गया, रूट सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इट सूट सिस्टम। तो जो सूट सिस्टम है उसमें पहले तो अपन देखेंगे कौन कौन से पार्ट हो गए प्लांट के, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो तो क्या होता है, इसका स्टीम पार्ट होता है। क्या होता है, इसका स्टीम पार्ट होता है। इसमें नॉड होते हैं, ठीक है, जहाँ से जो आपकी अदर जो ब्रांच है वो ग्रो करती है, वो क्या हो गए, नॉड हो गए, ठीक है। इंटर नॉड होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे क्या हो गए, शूट पार्ट के, जो शूट सिस्टम है उसके पार्ट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो प्लांट है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स आपने देखे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ रूट, ठीक है। तो रूट जो है वो काफी सारे फंक्शंस करती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। रूट क्या करती है, वाटर से क्या करती है, सॉरी, जो सोइल है उसे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है। एंड और क्या क्या करती है, रूट हेल्प्स प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। और क्या करती है, ये प्लांट को रूट में अच्छे से स्टैंड होने में हेल्प करती है। एंड सोइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन है उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो रूट है वो फूड को स्टोर करने में भी वर्क करते हैं, लाइक रेडिश, कैरेट, टर्नी एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने देखो इसके जो मतलब रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है उसके लिए अपन ने एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज शूट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शूट सिस्टम, ठीक है। और शूट सिस्टम में अपन ने देखा था काफी सारे पार्ट्स होते हैं शूट सिस्टम में, लाइक स्टीम, लीव्स, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा था। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीम होती है, अब आपको पता है जो स्टीम होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करती है, इसको स्टैंड, इसको इरेक्ट मतलब खड़ा रहने में हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है। क्या क्या काम करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, रूट जो है वो क्या, सॉरी, स्टीम जो है वो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और ये प्लांट पार्ट का मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको बियर करने में हेल्प करती है। वो ट्रांसपोर्टेशन करती है वाटर एंड फूड का, वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अंडरग्राउंड स्टीम स्टोर फूड, और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड स्टीम होती है वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, जैसे कैरेट, रेडिश वगैरह अपन जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव इज थिक एंड फ्लैशी स्टीम मैन फूड। थिक एंड फ्लैशी स्टीम जो होती है वो क्या बनाती है, फूड बनाने का वो करती है, ठीक है। एंड इसी टाइप से अपने पास भी क्या हो गए, स्टीम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। कुछ प्लांट ऐसे होती है जिनकी स्टीम किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, और ये क्या करती है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके लिए अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, ठीक है, लाइक कुकुरबिट एटसेट्रा, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा था कि इनकी जो टेंड्रिल्स होती है वो, सॉरी, इनकी जो स्टीम होती है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द लीव। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो क्या हो गया, द लीव्स। एंड एज वी नो दैट लीव जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, पूरे प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो फूड होती है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके जो मतलब
इसका जो आउटर पार्ट होता है, इसके मतलब जो आउटर पार्ट होता है उसको हम मिडरिब कहेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर आप लीव्स की देख सकते हो। पेटियोल होता है जो क्या करता है, ब्रांच से इस लीफ को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होती है, मिडरिब होती है, स्मॉल वेन्स होती है, ठीक है। ये इसके टाइप्स होते हैं। एंड अपन जानते हैं कि इसमें क्या होती है, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपने काफी सारे फंक्शंस देखे थे लीव्स के, लाइक ट्रांसपायरेशन का वर्क करती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने कुछ एक एक्टिविटी भी देखी थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो प्लांट की लीव्स है उससे रिमूव होकर, और जो पॉलीथीन का बैग अपन ने डाला था, इसमें लगाया था, उस पॉलीथीन बैग पे क्या हो जाती, स्टिक हो जाती। सी टाइप से प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा अपन ने देखा था, ठीक है। और स्टोमेटा क्या करता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो अपन ने पहले ही बात की थी कि ये फोटोसिंथेसिस करती है लीव्स, और फूड का प्रिपरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको कंज्यूम करती है। जब ये फोटोसिंथेसिस करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है, और उसके बदले में अपने को क्या कर देती है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द फ्लोर, ठीक है। अपन ने देखा स्टीम के बारे में, अपन ने स्टडी कर लिया अपनी लीव्स के बारे में, अभी अपन देखेंगे द फ्लोवर। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक समर में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स अपने को मिलते हैं, विंटर में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। सो इसके भी अपने पास क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर है फ्लोवर की, उसमें देखो काफी सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक पेडिकल, शेपल, पेटल्स, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स को अपन क्या करेंगे, जो प्लांट की अपने पास में जो मतलब फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसको देख के अपन इन सारे पार्ट्स को समझेंगे। देखो आप इनको अच्छे से, इनका जो नेम है वो आप अच्छे से देख लेना यहाँ पे, ठीक है। लाइक पेडिकल्स, शेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, एंथर, फिलामेंट, कार्पल, स्टाइल, ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये अपन देखेंगे इस फ्लावर की पिक्चर में। स्टिग्मा एंड ओवरी के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, लाइक एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ओके। सो आप यहाँ पे एक जो मतलब पार्ट्स ऑफ फ्लावर है वो आप यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, ओके, हियर इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहोगे, पेडिकल। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, पेडिकल। और ये जो पेडिकल होता है ये क्या करता है, इस फ्लावर को स्टीम से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या करती है, शैपल है, ठीक है। और ये शैपल क्या करती है, जब ये फ्लावर है, जब बर्ड में होता है तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। इसी टाइप से जो आप यहाँ पे जो मतलब फुला हुआ पार्ट जो देख पा रहे हो, ये क्या होता है, इसका रिसेप्टिकल्स। इसको यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को अपन क्या कहेंगे, ओवरी। और ओवरी के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है, इसमें टू ओव्यूल्स है, ठीक है। जो ओव्यूल्स है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, ओके। जो ओवरी है उसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या ओव्यूल्स है, और ये जो ओव्यूल्स है, जो ओवरी है वो क्या है, फीमेल पार्ट होता है, जो न्यू प्लांट के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो मतलब स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया। और जो लास्ट में आप जो राउंडेड आपको शेप दिखाई दे रही है वो क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई, ठीक है। और ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इन तीनों का ये जो पार्ट आप देख रहे हो इस टाइप से ये जो बन रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे जो इस टाइप से जो ये देख रहे हो, इस पूरे पार्ट को आप क्या कहोगे, पिस्टल। क्या कहोगे आप इसको, पिस्टल, ठीक है। एंड इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में कि ये जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, इसको आप क्या कहोगे, पेटल। ये क्या होगा आपका, पेटल, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट है वो शैपल हो गया, एंड जो कलरफुल पार्ट है, पिंक, मतलब पिंक, रेड वगैरह, ये डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं इसमें, येलो, व्हाइट, ब्राउन, कोई भी कलर इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, पेटल हो गए। फिर आप यहाँ पे ये जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके ऊपर जो आप देख रहे हो शीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो पैकेट सा दिख रहा है, इसको तो आप क्या कहोगे, एंथर, ठीक है। और जो मतलब
टाइप से यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रही है स्टिक लाइक, इसको आप क्या कहोगे? फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के ये जो इस टाइप से करके इस टाइप से ये जो बना है पूरा, इस पूरे को आप क्या कहोगे? स्टैमेन, ठीक है। और ये क्या हो गया? एंथर। और ये क्या हो गया? फिलामेंट। और इन दोनों को आप क्या कहोगे? स्टैमेन। और जो स्टैमेन है वो क्या है? मेल पार्ट है इस प्लांट का, ठीक है। तो इसमें देखो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आपका मतलब स्टाइल है यहाँ पे, इसी स्टाइल को पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो ये क्या करता है? स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स को कहाँ पहुंचाता है? ये ओवरी के अंदर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ फ्लोवर। जो फ्लोवर है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? सो देखो, एक तो अपने को पता है कि जो मतलब गार्डन्स वगैरह में ये जो फ्लावर है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अपन इनसे डिफरेंट टाइप के कलर्स बना सकते हैं, ठीक है, और फ्रेग्रेंस बना सकते हैं, लाइक परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अपने चारों ओर अगर अपने को क्या करना हो, मतलब ये अपने सराउंडिंग अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं, ठीक है। और जो एस्थेटिक है, सौंदर्य संबंधी जो भी सामग्रीज हैं, जो भी मतलब मेटेरियल्स हैं, वो आप इनसे बना सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी इंसेक्ट, ठीक है, काफी सारे इंसेक्ट के लिए ये सोर्स ऑफ फूड भी है। लाइक हनी बीज जो हैं वो इनसे नेक्टर कलेक्ट करते हैं और हनी बनाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो फ्लावर है वो एक ऐसी सीड है या फिर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में वहाँ पे फ्रूट्स और सीड बनता है, या तो सीड बनता है या फिर फ्रूट बनता है, ठीक है। और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसीलिए जो फ्लावर है वो प्लांट के मल्टीप्लीकेशन का वर्क भी करता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि जो एक्सरसाइज, देखो वैसे तो डीपली अपन ने और अच्छे से जो अपने एक्सरसाइज है उसको अपन ने स्टडी कर लिया है, लेकिन फिर भी इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको और अच्छे से समझना है, सो दैट आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। सो जो क्वेश्चंस है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। इसमें देखो फंक्शन दिए हुए स्टीम के, इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है स्टीम का? सो फोटोसिंथेसिस, आपको पता है जो स्टीम है वो फोटोसिंथेसिस का वर्क नहीं करती। फोटोसिंथेसिस का वर्क कौन करता है? लीव्स। इसी टाइप से विच ऑफ दीज फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लोवर, ठीक है। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होता है। देखो ये तो टिक द करेक्ट है, तो ये तो सारे आप लर्न कर लोगे, ओके। आई विल एक्सप्लेन अगेन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू मेन पार्ट्स ऑफ ए स्टैमन। जो स्टैमन है उसके टू मेन पार्ट कौन कौन से हो गए, ठीक है। तो अपन ने इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की थी। ये क्या हो गया? एंथर, एंड दिस इज फिलामेंट। इसी टाइप से व्हाट इज यंग अनओपन फ्लावर इज नाउन एज, जो यंग फ्लावर होता है अनओपन, जो बर्ड से बाहर नहीं निकला हुआ होता है, उसको आप क्या कहोगे? बर्ड्स, ठीक है, जब बर्ड्स में होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में और रॉ मटेरियल की नीड में, तो ये क्या करता है? मतलब फूड है वो बनाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसी टाइप से नेम थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। जो पिस्टिल है उसके थ्री पार्ट्स कौन कौन से हो गई? ओवरी, ठीक है, अपन ने देखा था ना थ्री पार्ट्स होते उसके, स्टिग्मा, ओवरी, और क्या था एक थर्ड पार्ट अपना कौन सा था? स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट स्ट्रक्चर अटैचेस ए लीफ टू स्टीम। कौन सी स्ट्रक्चर है जो स्टीम को लीव से अटैच करती है? तो अपन ने देखा था पेटियोल होते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज नाउन एज। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जो फ्लैट पार्ट होता है पूरा लीव्स का, ठीक है, लीव्स के पार्ट की बात हो रही है इसमें,
जो फ्लैट पार्ट, इसका जो बड़ा सा पार्ट होता है लीव्स का, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मिडरिब, सॉरी लैमिना या फिर लीफ ब्लैड उसको बोलते हैं, लैमिना या फिर लीफ ब्लैड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नाउ डू ऑल फ्लावर हैव सेपल, पेटल, स्टामन, पिस्टिल, क्या सभी तरह के जो प्लांट्स हैं उन सभी में ये जो मेन पार्ट्स होते हैं, फोर मेन पार्ट्स होते हैं किसके, फ्लावर के, क्या ये सभी प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको यस और नो में देना है जवाब, ठीक है। एंड आर देयर फ्लावर व्हिच डू नॉट हैव एनी ऑफ दीस, ठीक है। एंड कौन से फ्लावर है जो इनमें से कोई पार्ट, मतलब कौन से पार्ट नहीं रखते, वो आपको बताना है, ठीक है। इसी टाइप से डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट, क्या आपने कोई इसी तरह का प्लांट देखा है जिसमें सेपल्स के नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स एंड इसके अलावा जो पेटल्स के नंबर हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। विल ए लीफ टेकन फ्रॉम ए पॉटेड प्लांट, आपको पॉटेड प्लांट से लीफ लेनी है, ठीक है, जो डार्क रूम में रखी हुई है कुछ टाइम तक, फिर उस ब्लू ब्लैक, मतलब जब आप स्टार्च का इसमें क्या करते हो, टेस्ट करते हो, तो ये कैसी हो जाती है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाती है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपको क्या करना है इसके आंसर का रीजन बताना। देखो डार्क रूम में रखा हुआ अपने पास स्पॉटेड प्लांट है, ठीक है, कुछ टाइम तक उसने अपने उसको क्या किया, डार्क रूम में रखा है, उस प्लांट का आपको स्टार्च टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर में उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, इसका आपको रीजन बताना। ओके, व्हाट आर थ्री कैटेगरीज ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, नेचर ऑफ स्टीम एंड ब्रांच, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इनकी मतलब इनकी जो हाइट एंड नेचर ऑफ स्टीम, स्टीम की नेचर और हाइट के बेसिस पे जो प्लांट है उनके थ्री टाइप्स आपको बताने हैं, और सभी जो कैटेगरीज होती है उनको एक्सप्लेन करना है, और उनके टू टू एग्जांपल्स आपको देना है। ओके, जैसे अपन ने देखा था हर्ब, शॉप एंड ट्रीज, तो उन सभी के आपको टू टू एग्जांपल्स देने हैं। ड्रो डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। शो बोथ वर्टिकल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन, डिस्क्राइब नॉट मीडियम, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं करना है, क्या करना है आपको, इसका वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो दोनों इसको अच्छे से शो करने हैं। नाउ ब्रीफ नॉट ऑन ए वेनेशंस, ठीक है, लीफ का जो वेनेशंस होता है उसमें आपको क्या करना है, ब्रीफ नॉट, अच्छे से डिटेल में आपको उसका नॉट लिखना है। इसी टाइप से हाउ डज ए टैप डिफर फ्रॉम फाइब्रस रूट, जो टैप रूट है वो फाइब्रस रूट से किस तरह से डिफरेंट है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ पार्ट ऑफ ए लीव्स, सॉरी ऑफ ए प्लांट गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए आपको किसी पार्ट, किसी प्लांट के, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है। फिक्स प्लांट टू द सॉइल, सॉइल में फिक्स कौन करता है प्लांट को। प्रिपेयर स्टार्च, स्टार्च कौन बनाता है ये आपको बताना है। टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड बियर्स फ्लावर, ब्रांचेस को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है और फ्लावर बियर करने का काम कौन करता है प्लांट में, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए सिंपल प्लांट, किसी सिंपल प्लांट का आपको डायग्राम बताना है, और क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट हुज फंक्शन यू हैव जस्ट रीड एट द अप्रोप्रिएट स्पेस, यहाँ पे जो फंक्शंस आपने रीड किए उनको क्या करना है आपको, मतलब उस प्लांट का जो आपने डायग्राम बनाया है उसको उसमें बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉ द व्हील्स ऑफ लीव्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पे आपको जो ये फिगर्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको इसकी जो लीफ व्हील्स है उनको आपको डिफाइन, मतलब शो करना है, ठीक है। एंड राइट द टाइप ऑफ वेनेशंस, ठीक है, और इनमें क्या करना है, इनका जो वेनेशंस का टाइप है वो भी आपको बताना है। ये जो थ्री टाइप्स की यहाँ पे आपको लीव्स दी हुई, इनमें वेनेशन बताना है, लीफ वेनेशन बताना है, और क्या करना है इनका, इनकी जो लीव्स, मतलब जो टाइप्स, मतलब किस टाइप का लीव वेनेशन है वो भी आपको बताना है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लोगे, ठीक है, इनमें ज़्यादा समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एंड ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट वी हैव इज मैच द फॉलोइंग्स, ओके। सो नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर।
एंड आई होप अब आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाओगे. ओके, थैंक यू.